अखिलेश ने मंथन के बाद नरेश उत्तम पटेल को दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बनाया। सपा कार्यकारिणी की बैठक के बाद से ही स्वामी और अखिलेश में कोल्ड वॉर की स्थिति है, ये जानकार बताते हैं। और यही वजह है कि स्वामी प्रसाद अब माना जा रहा है कि उसी कोल्ड वॉर के मद्देनजर उन्होंने बयान दिया। अब सवाल ये भी उठता है कि वो बवाल करते हैं तो क्या अब नई जगह कोई उन्होंने ठिकाना ढूंढ लिया, ये भी देखने के लिए वाली बात है। चलिए मेहमानों करू कर लेते हैं। हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जी अध्यक्ष हिंदू महासभा और हमारे साथ सुचि विश्वास जुड़ गई हैं प्रवक्ता कांग्रेस। शैलेश भी हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। आप सभी का बहुत स्वागत है। शैलेश, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं, सियासी तौर पर क्या स्थितियाँ बनी हुई हैं लखनऊ में, क्या हो रहा है? क्योंकि ये बातें सामने आई थी कि अखिलेश यादव बहुत नाराज हैं, लेकिन अभी अखिलेश यादव का वर्जन नहीं आया है। देखिए, जैसे जैसे इस पूरे मामले में देरी हो रही है, यानी समाजवादी पार्टी की तरफ से फैसला अब तक कोई नहीं लिया गया है, अपना रुख स्पष्ट नहीं किया गया है, वैसे वैसे इसे लेकर जो लोगों में नाराजगी है वो और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आपको एक ताज़ा अपडेट देते अपने दर्शकों को, अभी अभी एक और तहरीर दी गई है इस पूरे मामले को लेकर चौक कोतवाली में। हमारे साथ में देखिए, हम इस समय मौजूद है, पहले तो बता दें, अवधेश, लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर है, प्राचीन मंदिर है चौक इलाके में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और यहाँ पर ये जो बैनर है ये बताने के लिए काफ़ी है कि नाराजगी किस हद तक है, जिस पर एक स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर जिसे लाल रंग से क्रॉस किया, और नीचे अधर्मी स्वामी प्रसाद मौर्य का इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है, ये मंदिर प्रशासन की तरफ से। मंदिर प्रशासन के जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, अलग अलग और संगठनों के लोग भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। आगे की रणनीति भी तय हो रही है कि किस तरह से और मोर्चा खोलना है, बातचीत का सिलसिला इन्हीं लोगों से आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मामले में। आपका नाम? मैं डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी और धर्म रक्षा संघ से और मंदिर परिवार की ओर से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो मानस को नहीं मानता संसार उसे नहीं जानता। और दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जब सनातनी अपने हृदय में भगवान राम को बसाते हैं तो प्रभु श्री राम उन्हें शुभाशीष देते हैं, लेकिन जो नहीं मानते मानस को और भगवान राम को नहीं मानते हैं उनको फिर दंड उचित दंड देने का कार्य भी प्रभु करते हैं। पंक्तियाँ मैं अपनी आप तक पहुँचाती हूँ कि जगत विधायक जन जन नायक दुष्टों के संहारक हैं, विघ्न विनाशक कष्ट निवारक श्री रघुवर सुख कारक हैं। वो सुख भी देते हैं और दुष्टों को उचित दंड भी देते हैं। आपका नाम जी? मैं मोहित शर्मा, धर्म रक्षक संघ से प्रदेश महामंत्री। मोहित जी, बताएं, आप लोग अभी एक FIR भी को इसको लेकर कराने गए? जी, अभी अभी हमने चौक कोतवाली में तहरीर दी है धर्म रक्षा संघ की तरफ से कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो वक्तव्य दिया है श्री रामचरितमानस पे, उसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जो भी दंडात्मक चीज़ें हो सकती हैं वो की जाए। विवेक जी से भी हम बात करेंगे यहाँ पर, अवधेश जो मंदिर के अध्यक्ष है प्रशासन के, लेकिन उससे पहले एक हम बातचीत करेंगे यहाँ पर जो मंदिर प्रशासन से जुड़े कोषाध्यक्ष हैं, क्योंकि ये जो लखनऊ में गुलाला घाट है उसके महामंत्री भी हैं। जी, आप बताएं। मैं रिद्धि किशोर गौड़ और यहाँ का मंदिर ट्रस्ट का मैं कोषाध्यक्ष हूँ। गुलाला घाट शमशान समिति जो प्राचीन शमशान घाट है उसका मैं महामंत्री हूँ। मेरा कहना ये है कि राम हम लोग के आराध्य हैं और जब अंतिम संस्कार होता तब भी राम नाम सत्य है बोला जाता है, और मैं समझता हूँ कि अब इनका राम नाम सत्य तो बोलना तो उचित नहीं होगा, और हम लोगों का तो प्रयास ये रहेगा कि इनका सनातनी और हिंदू संस्कार रीति से अंतिम संस्कार भी न किया जाए और गुलाला शमशान घाट पर तो नहीं करने का। आपको रोकना चाहेंगे किसी के लिए भी इस तरह से बातें कहने से, भले भी जो भी उन्होंने कृत्य किया हो। यहाँ पर विवेक जी से बात करेंगे। अवधेश जी, विवेक जी आप बताएं, अध्यक्ष है इस मंदिर प्रशासन के, बैनर आप लोगों ने लगवाया? जी बिल्कुल लगाया है, जैसे कि आप मेरे पीछे बैनर देख पा रहे हैं और उसके पीछे देख रहे हैं कि 108 फुट ऊंची उत्तर भारत की एकमात्र विशाल धर्म ध्वजा है, यानी एक स्थान जो है ये वास्तव में धर्म का स्थान है। और इस स्थान के जो मुख्य देवता हैं वो श्री हनुमान जी महाराज हैं, जो विश्राम विभोर अवस्था में हैं, और उनके यदि आप विग्रह को देखेंगे तो राम और लक्ष्मण जी कंधे पर हैं। तो बिल्कुल, ऐसे तो कुल मिलाकर जितने भी सनातन धर्मी हैं या राम भक्त हैं उनको ये टिप्पणी पसंद नहीं आई, अपने अपने तरीके से विरोध हो रहा है। हमारे साथ चर्चा में अंजला सिंह जी भी जुड़ गई हैं प्रवक्ता भाजपा। अंजला जी, आपके पास ही आ रहे हैं, जिस तरीके की पूरी परिस्थिति बनी है उसमें एक्शन की मांग तो हो रही है, लेकिन एक्शन कहाँ से होगा, कौन करेगा, और प्रशासन और शासन पर भी लोग देख रहे हैं कि क्या आप लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई कदम उठाया जाएगा इस मामले पर? सबको राम राम। और ये कोई, मुझे लगता है कि एक नया ट्रेंड और एक नया फैशन जो है जो शुरू हो गया है,
जो सनातन पे हिंदू देवी देवताओं पर हमारी जो धार्मिक पुस्तकें हैं उनका अपमान करो, एक होड़ सी लग गई है कि कौन कितना ज्यादा अपमान कर सकता है। और ये जो जयचंदों की फौज है ये खुद भी हिंदू है। मैं बाहर वालों को क्या कहूँ जब हमारे खुद के पैसे खोटे निकल रहे हैं, कभी भगवान श्री राम पे टिप्पणी करते हैं, कभी भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर का निर्माण होता है उसमें अर्चने बनकर खड़े हो जाते हैं, और अभी एक ये नया फैशन शुरू कर दिया है, रामचरित मानस के पहले टिप्पणी करते हैं आरजेडी के नेता मंत्री, और फिर अब आ गए हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और केवल ये कहने से समाजवादी पार्टी जो है किनारा नहीं कर सकती है। ये इनका व्यक्तिगत बयान है और हमें बहुत नाराजगी है, और हम भगवान श्री राम में आस्था रखते हैं। बिल्कुल भी नहीं साहब, आपकी पार्टी में आप एक्शन क्या ले रहे हैं? FIR दर्ज हो गई है और जो कानून कहेगा वो तो कानून अपना काम करेगा, परंतु मुझे ये भी जानना है कि समाजवादी पार्टी क्या एक्शन ले रही है। अगर कोई एक्शन समाजवादी पार्टी नहीं ले रही है और केवल लिप सर्विस कर रही है तो सीधी सी बात है, कार्य सेवकों के ऊपर जिन्होंने गोली चलाई, सरयू नदी का रंग जो लाल किया था, आज वो फिर से कहीं ना कहीं ऐसे रामद्रोहियों के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये सवाल तो है, लेकिन इन सवालों से अब सपा पूरी तरीके से भाग भी चुकी है, इस मुद्दे पर कोई बात करने को तैयार नहीं है चर्चा में। लेकिन ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।